हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, देखो आज मैं लेके आई हूँ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने आपको जैसा बता रखा है अपने पहले वीडियोज़ में कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो स्टार्टिंग में वो आपसे आपके शहर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कुछ भी अपना आपके शहर के बारे में जब वो आपसे जानना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे वो ज़रूर पूछते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आपकी सिटी के बारे में होते हैं। तो आज लखनऊ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँगी। और आप बताना कि इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन आपके सिटी से उठ सकते हैं, तो उस पर फिर से जो है एक वीडियो और बनाया जाएगा। जिस तरह से मतलब बच्चे मुझे बताएंगे कमेंट करके, उसके अकॉर्डिंग मैं और भी सारे वीडियोस जो हैं इस पर डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है लखनऊ से। तो लखनऊ से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन उठ सकते हैं आपके इंटरव्यू में, जो कि बहुत बेसिक होते हैं, आपके शहर से पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, देखो मेरे क्वेश्चंस बहुत सारे लिख के रखे हैं और आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब क्वेश्चंस पता होंगे, और बेशक पता भी होने चाहिए बिकॉज आपके शहर के बारे में है तो आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने एक बेसिक नॉलेज के लिए या फिर जिन बच्चों को नहीं पता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो पहला क्वेश्चन देखो किस तरह से उठता है कि लखनऊ का प्राचीन नाम। आपसे आप पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर कि लखनऊ का प्राचीन नाम बताइए। तो मैं आंसर भी देते जा रही हूँ, आप वीडियो सुनना, सिर्फ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मत रख लेना। मैं आंसर से बताऊँगी और साथ में कई सारी चीज़ें भी आपको यहाँ बताते जाऊँगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि लखनऊ का प्राचीन नाम। तो अवध क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, अवध क्षेत्र के नाम से भी लखनऊ को जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं ये। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि लखनऊ को वर्तमान में और किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत सारे लोग को ये चीज़ें पता होंगी कि लखनऊ को वर्तमान में हम किस नाम से बुलाते हैं। तो नवाबों के शहर के नाम से जो है लखनऊ को जाना जाता है, तो नवाबों के शहर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहा जाता है ना नवाबों का शहर है लखनऊ, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर बनता है आपका नवाबों का शहर। थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है कि लखनऊ में कौन सी नदी बहती है। तो ये बात भी बहुत सारे लोगों को पता है कि लखनऊ में गोमती नदी बहती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोमती। आपका फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से है कि लखनऊ किस लिए जाना जाता है, मेन कि किस लिए फेमस है। तो लखनऊ जो है वो बेसिकली जो है वहाँ पर दशहरी आम और चिकन की कढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। वहाँ पर दशहरी आम के बाग जो हैं और चिकन की कढ़ाई, इनके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जो है वहाँ का दशहरी आम खाया भी होगा, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। और चिकन की जो कढ़ाइयाँ होती हैं, वहाँ के ड्रेसेस जो आते हैं, वो भी लखनऊ से ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो इलाहाबाद थी। तो आपका 1920 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है उसको इलाहाबाद से बदल कर लखनऊ कर दिया गया था, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पुराने लखनऊ में क्या फेमस है। तो पुराने लखनऊ में क्या फेमस है, इसका आंसर जो लखनऊ के लोग होंगे उनको तो बेशक ही पता होगा कि पुराने लखनऊ में क्या फेमस है। तो पुराने लखनऊ में जो चौक का बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। पुराने लखनऊ में चौक का बाज़ार, तो चौक वहाँ पे है, वहाँ का जो बाज़ार है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये किस लिए फेमस है ये भी बता दे रही हूँ कि यहाँ पे जो है चिकन के कारीगरों और मतलब वहाँ का जो मार्केट लगता है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। और यह इलाका जो है चिकन की दुकानों की वजह से और वहाँ मिठाइयों की दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लखनऊ हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो लखनऊ हवाई अड्डे का नाम जो है वो अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो अमौसी नाम से जाना जाता है लखनऊ हवाई अड्डे। तो आप बता सकते हैं वहाँ पे कि लखनऊ में जो है अमौसी हवाई अड्डा है, ठीक है। इसके बाद से बात आती है कि लखनऊ में कितने विश्वविद्यालय हैं। आप वहाँ पर बता देंगे उन्हें कि लखनऊ में 6 विश्वविद्यालय हैं, तो 6 विश्वविद्यालय में आपका लखनऊ विश्वविद्यालय। और उसके अलावा भी जो हैं जैसे उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय है आपका UPTU, राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय वेदी विश्वविद्यालय है जिसको हम लोग लोहिया लॉ विश्वविद्यालय भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय,
अमेठी विश्वविद्यालय और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो है, और यहाँ पे बहुत सारे जो है चिकित्सा संस्थान भी हैं। तो जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लखनऊ की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। मैं सिंपली आपको सिर्फ एक आंसर बता रही हूँ, बाकी आप इसके बारे में और जितना डीप नॉलेज रख सकते हो ये सारे नॉलेज आप रखेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि लखनऊ जनपद के स्वतंत्रता सेनानी जिनका संबंध काकोरी कांड से है, तो आपको उनका नाम बताना है जिनका संबंध जो है काकोरी कांड से है। तो लखनऊ जनपद के काकोरी कांड के जो अभियुक्त थे, बहुत ही फेमस थे वो स्वतंत्रता सेनानी, उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काकोरी में फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ के भारत खंडे विश्वविद्यालय, जो कि भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर आप देंगे कि लखनऊ के भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय का नाम यहाँ के महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के नाम पर रखा गया। ठीक है ना, पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे के नाम पर रखा गया है और ये संगीत का एक पवित्र मंदिर है। बहुत सारी विशेषताएं हैं यहाँ पे, बहुत सारे देशों के जो है साधक जो होते हैं वो नृत्य संगीत की साधना करने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लखनऊ से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जिसका संबंध जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। देखिए क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, तो जब किसी क्वेश्चन को आप पढ़ें या फिर याद करें तो उसको हर तरह से, ठीक है ना, उसको हर तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करें। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपसे पूछ दिया गया, सीधे से ये भी पूछ सकते थे कि यहाँ से प्रकाशित होने वाला अखबार बताइए, लेकिन पूछा गया है कि लखनऊ से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र जिसका संबंध जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। तो देखिए सबसे पहले तो बता दूं कि लखनऊ जो है इतिहास में भी पत्रकारिता का एक प्रमुख केंद्र रहा है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आरंभ किया गया जो समाचार पत्र है उसका नाम था नेशनल हेराल्ड। ठीक है, नेशनल हेराल्ड, और ये लखनऊ से ही प्रकाशित होता था। तो आप बताएंगे कि नेशनल हेराल्ड जो है उस समाचार पत्र का नाम था। अब आती है बात कि छोटा इमामबाड़ा का असली नाम क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि लखनऊ में जो है बहुत सारे ऐसे तो इमामबाड़े हैं, लेकिन जिसमें दो बहुत फेमस हैं, एक बड़ा इमामबाड़ा और एक छोटा इमामबाड़ा। तो आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि छोटा इमामबाड़ा का जो है असली नाम क्या था। तो छोटा इमामबाड़ा का जो असली नाम है वो था हुसैनाबाद इमामबाड़ा। ठीक है, वो था नहीं, वो है। ठीक है, छोटा इमामबाड़ा का जिसका असली नाम क्या है, हुसैनाबाद इमामबाड़ा, और ये मैं आपको बता दूं कि ये मोहम्मद अली शाह की रचना है। ठीक है, इसे छोटा इमामबाड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि लखनऊ के घंटाघर की क्या विशेषता है। तो लखनऊ का घंटाघर जो है वो भी बहुत फेमस है, और इसकी क्या विशेषता है ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो लखनऊ का घंटाघर है वो भारत का सबसे ऊँचा घंटाघर है। ठीक है ना, लखनऊ का जो घंटाघर है वो भारत का सबसे ऊँचा घंटाघर है, ये विशेषता है उसकी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि लखनऊ के सभी नवाबों की तस्वीर अगर हम एक साथ देखना चाहते हैं तो हमें कहाँ देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शायद बहुत से लोगों को ये नहीं भी पता है। तो मैं आपको बता दूं कि हुसैनाबाद इमामबाड़ा यानी कि जिसे हम छोटा इमामबाड़ा भी कहते हैं के घंटाघर के समीप, ठीक है ना, एक पिक्चर गैलरी है, एक पिक्चर गैलरी है, और यहाँ पे लखनऊ के लगभग सभी नवाबों की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पे है, एक पिक्चर गैलरी है, ठीक है ना, हुसैनाबाद इमामबाड़े के घंटाघर के समीप लखनऊ के लगभग सभी नवाबों की तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। और फिर आती है बात क्वेश्चन नंबर 15 की बनारसी बाग क्या है। तो मैं बता दूं कि बनारसी बाग जो है वो वास्तव में एक चिड़ियाघर है जिसका मूल नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स वन्य प्राणी उद्यान। बहुत ही अच्छा नाम है और इसे याद कर लें। अक्सर इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि बनारसी बाग क्या है, अगर आप लखनऊ से हैं तो बताइए बनारसी बाग क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि बनारसी बाग जो है वो वास्तव में एक चिड़ियाघर है, ठीक है, जिसका मूल नाम जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स वन्य प्राणी उद्यान है, और वहाँ के स्थानीय लोग इसे चिड़ियाघर को जो है बनारसी बाग कहते हैं। ठीक है ना, तो बनारसी बाग जो है आप समझ गए होंगे कि क्या है, एक चिड़ियाघर है, एक प्राणी उद्यान है। ठीक है, सो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप सबके लिए प्रिपेयर किया था। और देखिए 15 क्वेश्चन का सेट था लखनऊ के लिए सिर्फ, कि लखनऊ में
किस तरह से आपका क्वेश्चन उठ सकता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी लखनऊ से जो रिलेट करके लखनऊ को पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यूज़ में। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस जानने होंगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।